तस्वीरों में दिखाई देने वाला ये नजारा मनरेगा घोटाले के मामले में बहुचर्चित नूह जिले के मोहम्मद बास उर्फ पूचा का गांव का है, जहां पर गांव के मेन रास्ते से परेशान ग्रामीणों ने सरपंच से लेकर सरकार तक पहले तो गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो गांव के लोग रास्ते को बनवाने के लिए पैसा इकट्ठे करने को लेकर रास्ते में ही हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए खड़े हो गए और आने जाने वाले राहगीरों से रास्ते की मरम्मत के लिए भीख मांगने लगे। खबर को विस्तार से बयां करने से पहले दिखाएंगे आपको एक तस्वीर। ऐसे बढ़ाना सरपंच ना बढ़ाओ कोई भाई, रास्ता का वास्ते पैसे दे जाओ भाई, रास्ता का वास्ते पैसे दे दे भाई, रास्ता बनवाओ सरपंच ना बढ़ाओ, कम से कम ऐसे बनवा दे दो, लाओ भाई सब भाई दे दो भाई, वैसे तो सरकार सबका साथ सबके विकास की बातें करती है, लेकिन जब विकास न होने पर लोगों को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ जाए तो फिर बात ही क्या। आइए सुनाते हैं आपको गांव वालों की ये कहानी। इस रास्ते के लिए चंदा उगा रहे हैं जी, ये रास्ता बन जाए, इसके मतलब पूरे गांव के लिए परेशान हुई पड़ी है, ये सारे रास्ते इस गांव कैसे ही है, या तो पता नहीं सरकार ने पैसा नहीं दिया इसके लिए, या पता है सरपंच खा गया, ये हमको पता नहीं है, पूरा गांव में खंडर बना हुआ है ये रास्ते का। तो फिर ये कब तक भीख मांगेंगे, कब तक रास्ता बनवाएंगे? जब तक रास्ता नहीं बनेगा जब तक भीख मांगते ही रहेंगे, सरकार भी नहीं कराएगी तो भीख मांग कैसे हम इस रास्ते को बनवाएंगे? गाँव के सरपंच ने नहीं बनवाया रास्ते को? नहीं बनवाता जी। क्या कहता है सरपंच? वो तो कहता है सरकार पैसा ही नहीं देती हमको, और सरकार से जब हमने रिकॉर्ड लिया तो सरकार ने बहुत पैसा दिया, सरपंच खा गया उसको। सरकार तो दावा करती है सबका साथ सबके विकास, झूठ का बाज़ ये। पानी भर रहा है और सरकार तो सुने रहा सरपंच आप बनवा में ना जी, तो हम भीख या लिए मांग रहे हैं भाई, रास्ता बनवाएंगे, जब तक भीख मांगता ही रहेंगे जब तक रास्ता के लिए पैसा इकट्ठा होना जाएंगे, जब तक बनवाना। तो ये कौन सा रास्ता है गाँव का, किस तरह की परेशानी होती है? फिर निका मैन रगड़ा जी, और पूरा गांव का निकाल यहीं कही है, सारा परिवार सब यहीं के निकलते हैं, बच्चे भी, और पूरा पानी भर जाता है तो कहां के निकला जी, या वजह से चंदो उगा रहा और भीख मांग रहा, या जब तक ना बने जब तक उगाते ही रहेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोहम्मद बास उर्फ बोचा का गांव के लोगों को रास्ते की इस परेशानी से निजात मिल पाती है या नहीं। एटीवी हरियाणा के लिए नूह से मुस्तफा खान की रिपोर्ट।